नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। शाहजहांपुर में 15 दिन की बच्ची के किडनैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बच्ची की दवा लेने जा रही मां की गोद से बाइक सवार बदमाशों ने बच्ची को छीन लिया और लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर बच्ची की बरामदगी की मांग की है। फिलहाल पुलिस घटना को संदिग्ध बताते हुए बच्ची की तलाश में जुट गई है। घटना थाना जलालाबाद क्षेत्र के फरुखाबाद रोड की है। यहां संगीता अपनी सास के साथ अपनी 15 दिन की बच्ची की दवा लेकर अपने गांव महुआ डांडी लौट रही थी। बच्ची की मां का कहना है कि जैसे ही वह गांव के रास्ते की तरफ मुड़ी, वैसे ही बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद एक युवक ने मां की गोद से 15 दिन की बच्ची को छीन लिया। बच्ची को छीन कर बदमाश मौके से फरार हो गए। बच्ची की माँ और दादी के चिल्लाने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बच्ची के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर दो थानों की पुलिस को भेजा गया जो बदमाशों की तलाश कर रही हैं। परिवार का कहना है कि उनकी किसी भी तरह की कोई रंजिश नहीं है। वहीं पुलिस अधिकारी घटना को संदिग्ध बताते हुए बच्ची को तलाश करने की बात कर रहे हैं। 12/2023 को दिन में करीब 1:30 बजे शैलेंद्र सिंह द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी भतीजी जिसकी उम्र 15 दिन थी, वो अपनी माँ और दादी के साथ में अस्पताल से दिखा करके वापस आ रही थी। बझेड़ा चौराहे के आगे ग्राम मोहवाडी के पास में दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसको मारपीट की छीन लिया गया है। दोनों बदमाश अपना चेहरा बांधे हुए थे। सूचना पर तत्काल थाना जलालाबाद की पुलिस तथा अन्य आसपास के थानों की पुलिस पहुंची। FIR दर्ज की गई तथा सर्विलांस और स्वाट समेत 5 टीमें पुलिस में लगाई गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा।